वैक्सीन से जुड़े हुए 6 अपडेट्स आपके साथ ही वीडियो में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर से देखें। नए हो चैनल पर, पहली बार आए हो, तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और साथ ही दबा दो बेल के आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। पहले अपडेट की तरफ चलते हैं जो जुड़ा हुआ है भारत बायोटेक की वैक्सीन के एक अपडेट के साथ। तो कोवैक्सीन के बारे में आप सभी को पता है, तो कोवैक्सीन का एक बूस्टर शॉट बनाया हुआ है। अब उसका फेज 2 का ट्रायल जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जो काफ़ी अच्छी बात है। अब भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, वो एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। अब यहाँ पे हमारे पास काफ़ी नए स्ट्रेन आ रहे हैं, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट आ गया, ब्राज़ील का वेरिएंट है, यूके का वेरिएंट है, तो ये सब वेरिएंट से टेकल करने के लिए एक बूस्टर शॉट बनाया गया है। अगर बूस्टर शॉट लगता है तो काफ़ी हेल्दी अमाउंट में एंटीबॉडीज जनरेट होते हैं और काफ़ी अच्छी तरह से प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो उसके फेज 2 के ट्रायल स्टार्ट हुए हैं। अगर फेज 3 के ट्रायल सक्सेसफुली कम्प्लीट होते हैं तो बूस्टर शॉट भी लोगों को लगता हमें देखने को ज़रूर से मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो जुड़ा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। तो अभी तक इंडिया में टोटल 7 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगा दी है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन नंबर फिर भी काफ़ी ज़्यादा लो माना जाएगा अगर हम उसे अदर कंट्री के साथ कंपेयर करते हैं, वो भी आगे मैं एक अपडेट में बताने वाला हूँ। और लास्ट अपडेट जो है वो मिस मत करना, उस पर आपका ओपिनियन मैटर करता है, तो वीडियो को पूरा जो है वो ज़रूर से देखना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो US ने 100 मिलियन डोजेज जो है वो एडमिनिस्टर कर लिए हैं, मतलब 10 करोड़। और यहाँ पे इंडिया अभी भी जो है वो 7 करोड़ पे है। उनकी पॉपुलेशन, उनके डोजेस कम है, हमारे पास पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, डोजेस भी ज़्यादा है, फिर भी सिर्फ 7 करोड़ लोगों ने वैक्सीन ली है। यहाँ पे कैपेबिलिटी थी कि अब तक 17 से भी ज़्यादा करोड़ लोग वैक्सीन ले सकते थे, लेकिन अब तक नहीं ली है। उसके पीछे क्या रीज़न है वो आप सभी को पता है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोगों में जो है वैक्सीन लेने के बाद हेजिटेंसी है। क्या है वो बता देता हूँ। मैंने मेरे पेरेंट्स को जो है वो सिर्फ 2 दिन पहले वैक्सीन दिलवाई थी, 1 अप्रैल को जब वो एलिजिबल हो गए, उन्हें एक दिन काफ़ी ज़्यादा बुखार हुआ, काफ़ी लोगों को कुछ भी नहीं हो रहा है, काफ़ी लोगों को बुखार और ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो हो रही है, वो नॉर्मल है, फिर भी काफ़ी लोगों में हेजिटेंसी है, इसलिए वो नहीं जा रहा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन आपको बुखार रहेगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, आपको वैक्सीन लेने ज़रूर से जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो जुड़ा हुआ है इंडिया के कोरोना केसेस, टोटल केसेस जो है वो 81,000 का मार्क टच कर चुके हैं, जो काफ़ी बड़ा नंबर है। अगर ये सिचुएशन रहती है, कंटिन्यू होती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई भी और ऑप्शन नहीं बचेगा, लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। और महाराष्ट्र के जो CM है उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने कहा है कि अगर नहीं कोई ऑप्शन बचेगा तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो जुड़ा हुआ यूनाइटेड किंगडम के साथ। तो यूनाइटेड किंगडम ने जो है वो 25 नए क्लॉटिंग के केसेस जो है वो देखे हैं एस्ट्राजेनेका शॉट्स लगाने के बाद। मुझे नहीं पता है कि इंडिया में ऐसे कोई केसेस आए हैं या नहीं, क्योंकि इंडिया में 7 करोड़ लोग हैं, मुझे लगता है कि उसमें से एटलीस्ट 6 करोड़ लोगों को तो कोविशील्ड ही लगी होगी। अब कोविशील्ड क्या है, एस्ट्राजेनेका की तो वैक्सीन है, तो यहाँ पे क्यों एक भी ऐसा केस रजिस्टर नहीं हुआ है जहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग का इश्यू हुआ हो, या अगर हुआ है तो उसे निग्लेक्ट किया गया, हमें नहीं बताया गया है। मुझे नहीं पता अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है या आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने तो कहीं पर नहीं पढ़ा है ना सुना है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ UK के साथ जो है वो क्लॉटिंग का इश्यू हाईलाइट कर रही है। लास्ट अपडेट की तरफ चलते हैं जो जुड़ा हुआ है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के साथ। तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो है अरविंद केजरीवाल, उनका कहना है कि सेंटर को जो है वो सारी एज वाले लोगों को एलिजिबल कर देना चाहिए ताकि ज़्यादा लोग जो है वो वैक्सीन ले। अगर जितने ज़्यादा लोग वैक्सीन लेंगे उतना ही कम जो है वो ट्रांसमिशन होगा और फिर ही ये पेंडेमिक रुकेगा। तो ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। मैं एक प्रैक्टिकल चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज अगर मैं बाहर जाता हूँ वैक्सीन सेंटर्स में तो इतनी ज़्यादा कोई लाइन नहीं है, मतलब लोग ऐसा नहीं है कि भर भर के वैक्सीन लेने जा रहे हैं। अगर सारे ग्रुप्स के लिए वैक्सीन को ओपन कर दिया जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा लोग वैक्सीन को लेंगे और काफ़ी ज़्यादा डोजेज जो है वो एडमिनिस्टर होंगे, तब जाके ये सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आएगी। अब तो अभी का जो ग्रुप है वो 45+ का है, तो अभी जो मेन ग्रुप है 18 to 45 वो पेंडिंग है। एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 में से सभी लोगों को एलिजिबल कर दे, लेकिन ऐसा होना भी पॉसिबल है नहीं, हमें 1 मई के आसपास ही पता चलेगा। आशा रखता हूँ आज का कोरोना वैक्सीन का अपडेट वीडियो
आप सभी को पसंद आया होगा। आया यहाँ तक वीडियो को देखा, देख का लाइक का बटन तो बनता है, लाइक कर दो, वीडियो कर दो शेयर, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।